हेलो एवरीवन, समस्त को स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करवा पाठ्यक्रम आ मूल्यायन उपर कि एमसीक्यू जोटा कि तुम बोथ पेपर वन पेपर टू ओटीईटी इंपोर्टेंट रहिबो। पूर्व वीडियो रे आम किसी यही टॉपिक उपर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करूँ। आज आउ किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा तुम ओटीईटी जो 23 तारीख हबार थिला सेटा बोधे जुलाई 1 को घुंची जाइछि आ 9 दिन घुंची गला। तो ताने नहि जे तुम पढ़िबनि ढिला करिवो सेमति नै पढ़ु थाओ। जुलाई 1 रे नहि कि 10 रे भी हेइ पारे किंतु तुम स्मूथली प्रिपेरेशन करू थाओ। तो देखिबा आज पाठ्यक्रम आ इवैल्युएशन उपर किसी एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्राजी शब्द वैलिडिटी रो अर्थ कौन? फर्स्ट ऑप्शन उद्देश्य, सेकंड वैधता, थर्ड मूल्यायन, फोर्थ पर्यवेक्षण। तो वैलिडिटी रो अर्थ होची वैधता, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। परीक्षण रो अन्य एक नाम बाछी लेख। परीक्षण, पर्यवेक्षण, परिमापन, मूल्यायन, प्रश्नपत्र। तो परीक्षण रो अन्य एक नाम कौन? मूल्यायन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, शिक्षक केउ उद्देश्य रखी परीक्षण रो मूल्य निर्धारण करिथांती? शिक्षक केउ उद्देश्य रखी परीक्षण रो मूल्य निर्धारण करिथांती? फर्स्ट ऑप्शन पिलांक दुर्बलता जानिबा पई, सेकंड ऑप्शन सामर्थ्य जानिबा पई, थर्ड ऑप्शन अग्रगति व स्थिति जानिबा पई, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर रहिबो डी ऑप्शन उपरोक्त समस्त। केते बेले परीक्षण विश्वसनीय होई परिबो? फर्स्ट ऑप्शन कम प्रश्न थाई परीक्षण करा गले, सेकंड ऑप्शन प्रश्न संख्या अति कम हेले, थर्ड ऑप्शन मध्यम संख्यक प्रश्न पचारिले, फोर्थ ऑप्शन प्रश्न गुड़िक अधिक संख्या रे थाई व्यापक हेबा द्वारा। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, प्रश्न गुड़िक अधिक संख्या रे थाई व्यापक हेबा द्वारा परीक्षण विश्वसनीय होई पारे। केते बेले परीक्षण रो वैधता जाने हुए, वैलिडिटी केते बेले जाने हुए? उद्देश्य दर्शाउथिले, उद्देश्यर परिमाण सूचाउथिले, उद्देश्य हासिल करिबारे विफल हेले, उद्देश्य साधनरे परीक्षण सफल होइथिले। तो वैलिडिटी आमे केतबेले कहिबा? जेतबेले उद्देश्य साधनरे परीक्षण सफल होइबे तबे आमे ताकु कहिबा एई परीक्षणटा वैध अछि, बुझिला? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मूल्यायन को कोण कले एहा वस्तुनिष्ठ होइथाय? मनोइच्छा मूल्यायन द्वारा, सूचना व नमूना द्वारा मूल्यायन कले, नमूना उत्तर व निर्देशात्मक अनुसार मूल्यायन, बा केवल बी ओ सी उभय। तो राइट आंसर तुम एट रही डी ऑप्शन बी ओ सी उभय, सूचना और नमूना द्वारा मूल्यायन कले, आ गोटे रही तुम नमूना उत्तर और निर्देशनामा अनुसार मूल्यायन कले है ना। तो वस्तुनिष्ठ यही दुईटू होता है। तो बी आउ सी दुईटा सारा राइट आंसर, जोटा कि आम डी ऑप्शन दे। नेक्स्ट देखा, कहार मतरे गोटे परीक्षण वैधता परीक्षणटी कौन मापे एवं एहाकु किपरि भल भावे संपादन करिपारुछि सहित संश्लिष्ट अटे? तो एटा किए कहिथिले कि परीक्षणटा सेतबेले आमे वैध बोली कहिबा जेतबेले परीक्षणटा को कोथि पई हेइजी ताकु से मापी पारुथबो आउ ता सहित माने किपरि भावे संपादन करि हेउछि ता सहित संश्लिष्ट हेथियो, ता सहित जोडित हेथियो। तो एटा किए कहिथिले? फर्स्ट ऑप्शन ग्रोकलैंड, सेकंड स्टैनले हॉपकिंस, थर्ड आनी आवास, फोर्थ एमानक मध्यरु केही नुहंती। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन आनी आवास। केउं वैधता द्वारा कोनोसी परीक्षण रो फलांक केते परिमाण रे परीक्षार्थी रो भविष्यत कृति को पूर्वानुमान करा जाई पारे? आधेय, समवर्ती, पूर्वानुमित, फोर्थ इज गठन। तो राइट आंसर रहिबो पूर्वानुमित। केउं वैधता द्वारा परीक्षण फलाफल को तत्कालीन समय रे सहजरे उपलब्ध हेउथिबा मूल्यबद्ध माप सहित तुलना करा जाए? केउं वैधता द्वारा परीक्षण रो फलाफल को तत्कालीन समय रे सहजरे उपलब्ध हेउथिबा मूल्यबद्ध माप सहित तुलना करा जाए? फर्स्ट ऑप्शन समवर्ती, सेकंड गठन, थर्ड आधेय, फोर्थ पूर्वानुमित। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन समवर्ती। केतोटी प्रणाली अवलंबन करी नियामक वैधता निर्णय करा जाए? पांचटी, छोटी, तीनोटी, दुईटी। तो राइट आंसर रहिबो डी ऑप्शन दुईटी। परीक्षण वैधीकरण प्रक्रिया रे केतेक प्रकार प्रमाणर आवश्यकता रहिछि? एही प्रमाण वैधता को केते प्रकारे अभिहित करिथाय? तीनि प्रकार, चारि प्रकार, पांच प्रकार, छ प्रकार। राइट आंसर इज तीन प्रकार। थियोरी को सब बेले पढ़ुथब, ये सब जिन एक्सप्लेन करवा पॉसिबल हम ना, तुम पाक को क्वेश्चन पहुँचवा मोर कर्तव्य। तुम्हें ताकु थियोरी को पढ़ी फंडामेंटल क्लियर हम से तुम कर्तव्य, से जिन तुम कर। आउ जदि केवल क्वेश्चन देखिक जाऊ तेज एग्जाम तुम के क्लीयर हम ना। यो क्वेश्चन पढ़ुची
आर थ्योरी टाकु सबले पढ़िबो बुझेला। तो नेक्स्ट देखो जो परीक्षण टी व्यक्तिर साधुता गुण मापिबा पई प्रस्तुत करिथाउ ताहार सामर्थ्य जानिबा पई अवलंबन करुथिबा प्रक्रिया को केउं वैधता कहा जाए। जो परीक्षण टी व्यक्तिर साधुता गुण मापिबा पई प्रस्तुत करिथाउ ताहार सामर्थ्य जानिबा पई अवलंबन करुथिबा प्रक्रिया को केउं वैधता कहा जाए। नियामक वैधता, आधेय वैधता, गठन वैधता ना उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन गठन वैधता। क्वेश्चन बुझी पालो कि नहीं? जो परीक्षण टी आमे व्यक्तिर साधुता गुण मापिबा प्रस्तुत करिथाउ तो सेही परीक्षण टी सामर्थ्य केते कोन रहिजी से साधुता गुण मापी पारुची कि नहीं केमिति कोन सेटा को जानिबा पई हला। तो सेटा हबो गठन वैधता। नेक्स्ट देखो वैधता निर्धारण क्षेत्र रे व्यवहृत एक पद्धति को बाछी लेख। वैधता निर्धारण क्षेत्र रे व्यवहृत एक पद्धति को बाछी लेख। फर्स्ट ऑप्शन परीक्षण को विश्लेषण करी, सेकंड शिक्षकक निर्धारित योग्यता सह सहसंबंध स्थापन द्वारा, अन्य एक परीक्षण सह सहसंबंध स्थापन द्वारा वा उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर इज उपरोक्त समस्त, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो केउ शिक्षाविद को मतरे विश्वसता परिमापर सुसंगति को बुझाए। रुसो, लीक, गुणलंड, बीओसी माने लीक आउ गुणलंड बोथ। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन लीक आउ गुणलंड बोथ, बीओसी उभय। विश्वसता को केते भाग रे विभक्त करा जाय छी? तीन भाग, पांच भाग, दुई भाग, चारि भाग। तो विश्वसता को दुई भाग रे विभक्त करा जाय छी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तुम्हें विश्वसतार अर्थ कौन बुझुच बाछ? वैधता, संगति, व्यवहारिकता कौनसीटी नुहे। तो विश्वसतार अर्थ हूँ सुसंगति, जोटा कि आम कही रिलायबिलिटी, सुसंगति, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैधता को प्रभावित करुवा उपादानटी को बाछी लेख। फर्स्ट ऑप्शन सांस्कृतिक प्रभाव, सेकंड प्रतिक्रिया शैली, थर्ड ए ओ बी, फोर्थ कौनसीटी नुहे। तो राइट आंसर इज ए ओ बी, सांस्कृतिक प्रभाव, प्रतिक्रिया शैली, दुईटा सारा राइट आंसर रहा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नोक्त पद्धति गुड़िक मध्यरु केउ पद्धतिटि परीक्षणर आपेक्षिक विश्वसता निर्धारण करिबा पई आमे व्यवहार करिथाउ? फर्स्ट ऑप्शन अर्जीकरण पद्धति, सेकंड समतुल्य आकृति पद्धति, थर्ड पुनः परीक्षण पद्धति, फोर्थ ए बी सी समस्त। तो राइट आंसर इज ए बी सी समस्त, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सहसंबंध सहगर अन्य एक नाम बाछ। सहसंबंध सहगर अन्य एक नाम बाछ। फर्स्ट ऑप्शन स्थिरता सहग, सेकंड विश्वसता सहग, थर्ड अस्थिरता सहग, फोर्थ ए ओ बी उभय। तो राइट आंसर तुम ये रहा डी ऑप्शन ए ओ बी उभय, विश्वसता सहग, अस्थिरता सहग। नेक्स्ट देखो विश्वसता को प्रभावित करुवा एक उपादान को बाछी लेख। परीक्षा परिवेश, अनुमान, परीक्षण दीर्घता, उपरोक्त समस्त। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरोक्त समस्त। परीक्षा परिवेश, अनुमान, परीक्षण दीर्घता, ये तीनोटी सारा फैक्टर विश्वसता को प्रभावित करिथांदी बा रिलायबल को प्रभावित करिथांदी। एक परीक्षण आपेक्षिक विश्वसता निर्धारण पई केते प्रकार पद्धति अवलंबन करा जाय छी? चारि प्रकार, छ प्रकार, आठ प्रकार, दश प्रकार। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन चारि प्रकार। निम्न रे दिया जायथिबा शर्त मध्यरु केउटी प्रश्नपत्र समतुल्य? फर्स्ट ऑप्शन प्रश्न संख्या समान रहिबो, सेकंड ऑप्शन उद्देश्य गुड़िक समान रहिबो, थर्ड ऑप्शन परीक्षण विषय वस्तु समान रहिबो, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट देखो कहा को परिसंख्यानर पिता बोली अभिहित करा जाय छी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्रॉक्सटन, सेकंड काउचेन, थर्ड रोनाल्ड ए फिशर, फोर्थ ब्रिग्स। तो राइट आंसर रहिबो सी ऑप्शन फिशर। बुद्धि पई मुख्यतः कहा उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण शक्तिर बुद्धि, सेकंड विमुक्त प्रत्यय चिंतन, थर्ड नूतन परिस्थिति सह समायोजन, फोर्थ उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर रहिबो डी ऑप्शन उपरोक्त समस्त। बुद्धि एवं योग्यता पद प्राय समानार्थी अटे एहा ड्यास। तो फर्स्ट ऑप्शन सत्य, सेकंड असत्य, थर्ड अनिश्चित, फोर्थ कौनसीटी नुहे। तो राइट आंसर रहिबो बुद्धि और योग्यता पद प्राय समानार्थी अटे एहा सत्य, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो थर्स्टन को द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कौन कहा जाय पारिबो? फर्स्ट ऑप्शन बौद्धिक आकार तत्व, सेकंड बहु उत्पादक तत्व, थर्ड गार्डनर बहुबुद्धि तत्व, फोर्थ पदानुक्रमित सिद्धांत।
तो राइट आंसर इज बहु उत्पादक तत्व। स्पीयरमैन को द्वारा प्रस्तुत तत्व कौन? फर्स्ट ऑप्शन मानसिक शक्ति तत्व, सेकंड एककारकीय तत्व, थर्ड बहु उत्पादक सिद्धांत, फोर्थ दुई कारक तत्व। तो राइट आंसर है टू फैक्टर थ्योरी बा स्पीयरमैन को दुई कारक तत्व। तो एगुड़ा सब लर्निंग थ्योरी भितर तुम आसूँ कोहलबर्ग स्पीयरमैन एगुड़ा सब मन रख। तो एगुड़ा थ्योरी जदि न पढ़ी जीव एगुड़ा तुम्हें किसी जापर तो टू फैक्टर थ्योरी खाली मन रखीदे भी हेनी। तो भितर आहरी क्वेश्चन बहुत अनेक गुड़े अच्छी तो ताको टिके देखीनब जेहेतु तुम सिलेबस रही मुझे वीडियो अपलोड करी देखीनाव देखिपार नले मु सबले सजेसन देवी कि भिडियो देखा ठार तुम बही पढ़ बही पढ़ले तुम अधिका किसी जापर। तो नेक्स्ट देख स्पीयरमैन को अनुसार साधारण कारक डैश जनरल फैक्टर जेटा को आम कही स्मॉल जी रेक ये देख लिखाई ब्रैकेट भितर। तो जनरल फैक्टर बा साधारण कारक स्पीयरमैन अनुसार कौन? तो जन्मजात व अपरिवर्तनीय, सेकेंड जन्मजात व परिवर्तनीय, थर्ड अर्जित व अपरिवर्तनीय, फोर्थ अर्जित व परिवर्तनीय। तो राइट आंसर रहइबो स्पीयरमैन को अनुसार साधारण कारक बा जनरल फैक्टर होउछि जन्मजात ओ अपरिवर्तनीय। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। गिलफोर्ड को मतरे बुद्धि कौन? फर्स्ट ऑप्शन एक प्रक्रिया, सेकंड एक उत्पाद, थर्ड निर्णय नेबा, फोर्थ तीनोटी जाक संबंध रे। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन तीनोटी जाक संबंध रे। स्पीयरमैन को अनुसार विशिष्ट कारक होउछि डैश तो साधारण बुद्धि, भिन्न भिन्न क्षेत्र में थी बुद्धि एओ बी दुईटी जाक डी ऑप्शन कौन सी नुहे। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन भिन्न भिन्न क्षेत्र में थी बुद्धि। तो विशिष्ट कारक हूँ स्पेसिफिक फैक्टर है तो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर कथा स्पीयरमैन कहते हैं से कहा टू फैक्टर थ्योरी। पुणी जनरल फैक्टर कौन स्पेसिफिक फैक्टर कौन यहाँ भी जानव। जनरल फैक्टर कौन ना ओवरऑल लोकों पाखे जो सब माने इंटेलिजेंस रही जो सब माने कैपेसिटी रही हूँ जनरल फैक्टर। किंतु स्पेसिफिक है किए भल गीत गाईपार किए भल डांस करे भल चित्र करा हूँ विशिष्ट कारक। तो यहाँ डिटेल टी देखीनाब। नेक्स्ट देख बुद्धि व्यक्तिर एकीकृत क्षमता बा ग्लोबल कैपेसिटी इज इंटेलिजेंस यार अर्थ कौन? यह मैंने ठीक ना भूल ना कौन एमती पचारे देख यह हूँ उद्देश्यपूर्ण चिंतन प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ना उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर है उपरोक्त समस्त डी ऑप्शन इज राइट आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख पियाजे अनुसार बुद्धि एक डैश एक प्रोसेस प्रोडक्ट ना प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ ना कैपेबिलिटी बा क्षमता। तो पियाजे अनुसार बुद्धि होउची एक प्रोसेस एक प्रक्रिया ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बुद्धि कार्य करिवार एक विधि अटे यह कहार उक्ति? वुडवर्थ बिनेट टर्मैन स्पीयरमैन। तो राइट आंसर रहइबो वुडवर्थ। वुडवर्थ कहिथिले बुद्धि कार्य करिवार एक विधि अटे। बुद्धिर गाठनिक सिद्धांत बा स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस निम्नलिखित केउ मनोविज्ञानी सह संबंधित होइछि? फर्स्ट ऑप्शन गेरेट, सेकंड गिलफोर्ड, थर्ड कोटेल, फोर्थ गार्डनर। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन गिलफोर्ड। नेक्स्ट देख बुद्धिर दुई कारक तत्व बा टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस निम्नक्त मध्यरु केउ मनोवैज्ञानिकर दान अटे? फर्स्ट ऑप्शन बिने, सेकंड वेस्लर, थर्ड थर्स्टन, फोर्थ चार्ल्स स्पीयरमैन। तो राइट आंसर रहइबो डी ऑप्शन चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धिर एककारकीय सिद्धांतर प्रतिपादक निम्नलिखित मध्यरु किए? तो राइट आंसर रहइबो डी ऑप्शन कोनोसिटी नुहे। तो जोटा कौन सी नुहे देव तो से क्वेश्चन को तुम्हें स्किप करदेवटा भल कहीं माइंड रही है जो ऑप्शन तुम्हें पढ़ा माइंड रही है तो कौन सी तो नुहे यहाँ को छाड़ दियो बर बुद्धि एककारिक सिद्धांतर प्रतिपादक किए बोली तुम्हें सेटा को डायरेक्ट मन रखीदेव है। तो नेक्स्ट देख बुद्धि प्रकार भेद तत्व कहार दान? गिलफोर्ड, बोट तथा बर्नन, थर्ड थर्स्टन, फोर्थ थंडाइक। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन थंडाइक। व्यक्तिर योग्यता अथवा शक्ति केउंटी अटे जहाँ माध्यम से नूतन रचनात्मक उत्पादन करिथाए? फर्स्ट ऑप्शन बुद्धि, सेकंड सृजनात्मकता, थर्ड स्मृति, फोर्थ संज्ञानात्मक शैली। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन सृजनात्मकता माने क्रिएटिविटी।
तो आज आम एति क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करथिबा इंटेलिजेंस उपरे आहुरी अनेक क्वेश्चन अछि तो सेगुडा तुमको प्रोवाइड करबी इवैल्युएशन उपरे मध्ये अनेक क्वेश्चन अछि तो करबा आस्ते आस्ते आमे तो भला रे प्रिपरेशन हो थैंक यू।